Your Excellency, Prime Minister Meloni, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मेलोनी की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वर्ष के चुनावों में इटली के नागरिकों ने उन्हें प्रथम महिला एवं सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मैं उन्हें सभी भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही बाली में G20 समिट के दौरान हमारी पहली बैठक हुई थी। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और बहुत ही उपयोगी रही। इस वर्ष भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने भारत इटली साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, एक और क्षेत्र है जो दोनों देश एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है रक्षा सहयोग का। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट के अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से जॉइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कोर्सेज आयोजित करने का भी निर्णय लिया। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इटली कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड्स, भारत और इटली के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंध है। हमने वर्तमान समय की अवस्थाओं का अनुसार इन संबंधों को एक नया स्वरूप और नई ऊर्जा देने पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है। उस पर जो चल रही वार्ता का विशेष महत्व है। इस समझौते के शीघ्र समापन से हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते और सुदृढ़ होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। भारत और इटली के संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया। इससे हम दोनों देशों की विविधता, इतिहास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक पटल पर शोकेस कर सकेंगे। फ्रेंड, कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न
फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर के क्राइसिस से सभी देश प्रभावित हुए हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने संयुक्त प्रयासों पर बल दिया। भारत की G20 अध्यक्षता में भी हम इस विषय को प्राथमिकता दे रहे हैं। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हम इंडो पैसिफिक में इटली की सक्रिय भागीदारी का भी स्वागत करते हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि इटली ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का निर्णय लिया है। इससे हम इंडो पैसिफिक में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस विषयों की पहचान कर सकेंगे। वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। हमने इस विषय पर भी विचार विमर्श किया। एक्सलेंसी, आज शाम आप रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी। वहां आपका संबोधन सुनने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं। आपकी इस भारत यात्रा और हमारी उपयोगी चर्चा के लिए आपका, आपके डेलीगेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड योर डेलीगेशन। थैंक यू सर।